तो हमारा गिट भी इंस्टॉल हो गया, तो हम फिर से रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर। अब देखो ये देखो ये रन हो चुका है, इसने हमें दो इशू बताई। एक तो हमारे पास कोई कनेक्टेड डिवाइस नहीं है एंड्रॉयड टूल चेन लाइसेंस का, वो इसने एसडीके का बताया, वो तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे वो सही हो जाएगी। चलिए अब हम सब कट कर देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कभी कभी होता है क्या कि ये देखो एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने कट कर दिया, एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ नहीं है, सब हट चुका है। मतलब आप देखोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो कोई आइकन नहीं बना होगा आपके पास। ये देखो कोई एंड्रॉयड स्टूडियो कोई आइकन नहीं है, तो हम उसे फिर से खोलेंगे कैसे? तो सीटीएल अल्ट टी करो आप फिर से, देन आपको फिर से जाना होगा डाउनलोड्स में, फिर आपको जाना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो में, फिर आपको जाना होगा बिन में, फिर आपको उसी तरह मोड चेंज करना होगा। थोड़ा सा यार लेंदी प्रोसेस है, चेंज मोड 777-R एंड देन हमारा फाइल का नाम, चलो पासवर्ड दे दो। अब हमें /studio.sh, देखो अब हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो फिर से रन हो चुका होगा। ये देखो ये आ गया। अब हम यहाँ से फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। एक बात आप ध्यान रखना, वहां पर जो मैंने फ्लटर डॉक्टर रन किया था उसे बिना रन किए हुए आप मत यूज करना, या ये फ्लटर को मत वो करना, मतलब इसे प्रोजेक्ट मत क्रिएट करना। ये देखो यार फिर से ये एरर दे रहा है, बट कोई नहीं, इसे यहाँ से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें होम में जाना है, हमारे एंड्रॉयड फ्लटर में ही फ्लटर है। ये ओके करोगे, ये देखो रिजॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। सो ये देखो क्रिएटिंग फ्लटर प्रोजेक्ट। सो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखोगे जैसे था, देखो सारी चीजें आ गई हैं, एक एक चीजें जो थी वहां सारी चीजें आ गई हैं और बिल्कुल सही से रन कर रहा है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है हमारे पास अभी डिवाइस की, हमारे पास अभी कोई एमुलेटर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पर, एज यू नो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। देखो आप Pixel 3a ले लो या 3a XL ले लो, अगर आपका डिवाइस अगर प्ले स्टोर सपोर्ट करता है तो वो वाला ले लो, क्योंकि Pixel 3a में प्ले स्टोर है जो कि कहीं ना कहीं ठीक ही रहता है। चलो आप इसके लिए नेक करो। देखोगे ये कह रहा है अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा, जो KVM वाला एरर था वो मेरे में शो अभी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो नया वाला लिनक्स इंस्टॉल करा है, जिस लिनक्स में जो यूजर है इसे परमिशन पहले से ग्रांटेड है KVM यूज करने के लिए, या ऐसा कुछ परमिशन नहीं, तो यहाँ पे आता मेरा KVM एक्सेस डिनाइड या ऐसा कुछ करके आता, बट हमारा यहाँ पे आ नहीं रहा वो चीज। तो मैं तो सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, इसके मेरा चल जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अगर आपका उबंटू ये नहीं है तो आपको रन करना होगा एक कमांड। सो उसके लिए आप करोगे sudo apt install qemu and kvm। ओके, एंटर करने का पासवर्ड डाल दो आप। ये देखो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था इसलिए कह रहा है 0 अपग्रेड और 0 न्यूली इंस्टॉल। ठीक है, बट आप में ये 75 MB का स्पेस लेगा, यानी 75 MB ये डाउनलोड करेगा, फिर ये वर्चुअल आपका डाउनलोड हो जाएगा वर्चुअल मशीन। ओके, इसके बाद करना क्या होता है, यूजर ऐड करना होता है। तो आप पहले ग्रुप पे चेक करो कि आपका ग्रुप कौन सा है। तो मेरा है डेवलपर अजीत, एडमिन या क्राउन या ऐसा करके आएगा, तो मेरा यानी कि डेवलपर अजीत है, मैंने इसे भी ऐड कर दिया। तो अब मुझे जो कमांड रन करना है वो ये है, एड सॉरी sudo एड यूजर डेवलपर अजीत KVM। एंटर प्रेस करा मैंने, क्या करा था, यूजर डेवलपर अजीत ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ KVM। सो मैं अब इसका मेंबर हूं। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई एक्सेस डिनाइड की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप में भी, आपका भी जो पीसी है उसमें भी नहीं आने वाला, और मेरे में तो पहले से ये रिजॉल्व था तो ये मेरे में भी नहीं आने वाली। हम एक फास्टर एक्सेस कर पाएंगे वर्चुअलाइजेशन की वजह से। या विंडोज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एमुलेटर का यूज करना, एमुलेटर यूज करने में हमारे वर्चुअलाइजेशन उतनी बेहतर उसकी नहीं मिलती थी और हमारा स्पीड बहुत लैग करता था। लिनक्स में ये चीज बहुत अच्छी है और खुद आप ये यूज करके देखोगे। अभी ये बिल्कुल ऐसे ही करना, कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना। ये आप ग्रुप से बिल्कुल चेक कर लेना आपका कौन सा है। मेरा ये पहला है डेवलपर अजीत, तो इसे ही मैंने करा था इंस्टॉल। आपको रन करना है sudo add user developer jit kvm, आपको जो यहाँ पे नाम होगा डेवलपर जीत की जगह आप रिप्लेस करके आप वहां पर लास्ट में कमांड ऐसे ही रन करना है,
कमांड रन करना, ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, काट दो सब कुछ। जी मेरा डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। इसे डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बिल्कुल सही से हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, फ्लटर डार्ट सब कुछ। सो फ्रेंड्स, वो भी डाउनलोड हो चुका है और ये देखो ये आ चुका है पहले से यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से रन करूंगा, मेरा आ जाएगा आराम से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसे रन करने में या कोई भी, तो आप कमेंट में कमेंट डालो, या अगर आपका केवीएम में प्रॉब्लम है तो आप उसे नेट पर सर्च करोगे, क्योंकि केवीएम की इशू बहुत आती है, ठीक है। अगर आपका ऐसा होता है कि केवीएम इंस्टॉल करने के बाद लूप पे चला जाता है ये लॉगिन स्क्रीन पे, तो वहां पर लॉगिन स्क्रीन पे आप जाओगे, देखोगे लॉगिन के नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर जाओगे देखोगे एक होगा Ubuntu, एक होगा Ubuntu Wayland। तो Ubuntu Wayland पे क्लिक करके फिर से पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्योंकि वो लूप पे चला जाता है, उसके बहुत सॉल्यूशंस हैं, बट कुछ है नहीं है ऐसा कि जिससे सही हो। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। सो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम फ्लटर डॉक्टर भी रन करके देख लेते हैं यार सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा फ्लटर डॉक्टर। तो इसीलिए यार ना टर्मिनल में आओ, टर्मिनल में आने का ये खुद ब खुद पाथ ले लेगा। आप यहाँ पे रन करो फ्लटर डॉक्टर, ये देखना आप सारी चीज एनालाइज होने के बाद आ जाएंगी। ये अब भी कह रहा है कि कनेक्टेड डिवाइस नहीं है और वो टूल चेन का क्या कह रहा है, एंड्रॉइड सम एंड्रॉइड लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड, तो इसके लिए कह रहा है ये रन करने को। चलो ठीक है ये रन कर लेते हैं, कोई नहीं यार ये भी रन कर लेते हैं। कॉपी करके इसे पेस्ट कर दो यहाँ पर, ये देखो। ओ सॉरी, ये ना आप उसमें टर्मिनल में सीटी करके टर्मिनल में आप इसे रन कर लेना, आपके सारे लाइसेंस एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो वो इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे यहाँ से रन करना है। ये देखो कितना फास्ट ये आ गया, अगर विंडोज में करोगे बहुत लेट से आता है। ये देखो आगे आ भी चुका है, चलिए हम अपना प्रोग्राम भी रन करके देखते हैं कितना फास्ट होता है ये। प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ है और हमारा एमुलेटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो प्लस साइन पे भी क्लिक करो, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। I am afraid of this.